वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने बात की थी कि डोमेस्टिक के न्यूज़ के ऊपर हमने थोड़ा सा एक एनालिसिस किया था, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात की थी, इस साथ ही साथ हमने जो है कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए थे इस इंडिकेशन के हवाले से कि क्या इंडिकेशन जो है वो पाकिस्तान की इकानमी के लिए मुस्बित आई हुई हैं और क्या इंडिकेशन नेगेटिव आई हुई हैं। तो इनको मिला के हमने अभी तक जो अपना एनालिसिस किया है वो हमारे हिसाब से अभी मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, मगर अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर दरकार होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसके ऊपर पॉलिसीज प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस वक्त इम्पोर्ट्स का हजम पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी वजह से रुपया अपनी कदर मजीद गिरा सकता है। इसकी वजह से महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में कुछ दुश्वारियों का सामना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो बहरहाल इस वक्त का सिनेरियो जो इस वीक का भी देखा जा रहा है वो ऑलमोस्ट ना ही बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और ना ही ज्यादा पेसिमिस्टिक है, न्यूट्रल सेंटीमेंट देखने जा रहे हैं। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो चीजें की जा रही हैं वो अभी पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए एक अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त इंडिकेशन जो मुस्बित आए में है उनको अगर हम थोड़ा सा वेटेज इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि आलमी मार्केट्स के अंदर यही इंडिकेशन अभी जो कोविड की वजह से अफेक्ट हुई थी वो रिवाइव नहीं हो पाई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये नए इंडिकेशन खास तौर से रेमिटेंसेस के रिकॉर्ड इजाफा, टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा, पाकिस्तान के करंट अकाउंट का सरप्लस में होना, ये कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जो कि पाकिस्तान को इस पेंडेमिक सूरत हाल के ही अंदर जो है वो सपोर्ट कर गए हैं। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक के साथ साथ हम बात करते कर रहे थे साथ में कि इसके ऊपर डेल्टा वेरियंट के ऊपर बड़ी तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। इसी के हवाले से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, तो इनके अंदर काफ़ी हद तक के इस वक्त देखा जा रहा है कि एक पैनिक सी सूरत हाल है। काफ़ी हद तक के SOPs मेंटेन करने की बातें तो की जा रही हैं, वहीं पर जो वैक्सीनेशन के अमल है उसके ऊपर भी एक चीज़ें जो है वो सवाल या निशान उठ रहा है, खासतौर पर फाइजर की वैक्सीनेशन के ऊपर, जिसके ऊपर CNN ने भी रिपोर्ट किया था कि इसकी वैक्सीनेशन की वजह से दिल के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, बल्कि रिपोर्ट भी की गई है। वहीं पर जो है फाइजर अभी ये डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट किया है FDA USA से कि उसको अलाउ किया जाए कि वो थर्ड डोज भी लगाए, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होने में कुछ मदद मजीद मिल सकती है। यहाँ पे जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफ़ी हद तक के जो है वो डिवेस्टेटिंग प्रूव हुआ है कि इसके कह रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अमवातों की शरह में इजाफा कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वहीं पर दूसरी जानब OPEC+ मेंबरान के दरमियान जो होने वाली मीटिंग थी जिसके ऊपर जो प्रोडक्शन आउटपुट को मार्केट में लाना था उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ था, जिसके बाद अभी जो है वो ऑयल इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट इस वक्त आई है एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से, उसमें एक्सपेक्ट की गई थी इन्वेंट्री कि 4 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्री नेगेटिव में होगी, मगर वीक के अख्ताम पर जब इसको देखा गया तो 6.8 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्री नेगेटिव में थी। तकरीबन इससे ये चीज़ पता चल रही है कि गुज़िश्ता हम 2-4 हफ्तों से यही देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री एक्सपेक्ट की जा रही है उससे तकरीबन डबल सी, जो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से ही ज़्यादा नेगेटिव में आ रही है, यानी डिमांड बहुत तेज़ी से मार्केट में बढ़ रही है। ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ऑयल का आउटपुट मार्केट में ना आना और डिमांड का तेज़ी से बढ़ना, जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइस अपने आप को पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ा रहा है। अगर हम बात करें तो इस वक्त WTI क्रूड 43 सेंट्स माइनस होने के बाद $74.13 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 47 सेंट्स माइनस होने के बाद $75.08 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इस वक्त तकरीबन $8.65 नीचे आने के बाद $18.02 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 16 सेंट्स नीचे आने के बाद $26.065 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आर्मी मार्केट्स के अंदर इस वक्त प्रेशर थोड़ा सा देखा जा रहा है, गरचे उस तरीके का प्रेशर नहीं है जो कि आज से 1.5 साल पहले हुआ करता था, मगर फिर भी चीज़ें इस वक्त बड़ी ही कॉशियस लेवल में मूव की जा रही हैं, क्योंकि अगर फॉर एनी रीज़न जैसे हमने देखा कि January 2020 के अंदर वन ऑफ द सडन जो है मार्केट कोलैप्स हुई थी और 2-3 मंथ्स के अंदर मार्केट जो है बहुत तेज़ी के साथ नीचे चली गई थी। January 2020 के अंदर हम बात कर रहे थे अमेरिका और चाइना के एग्रीमेंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान एक स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी जो कि वहीं पर रह गई, और एक कोविड नामी वायरस ने आके पूरी मार्केट्स को ना सिर्फ अमेरिका और चाइना बल्कि पूरी मार्केट्स को जो है कोलैप्स कर दिया था। तो ये सिनेरियो जो पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, इसके साथ साथ बात करें कि अभी भी ये पैनिक बरकरार है, यानी अभी चूंकि हमारे पास कोई भी ऐसा वीक नहीं गया है जिसके अंदर कोविड के ऊपर हमने बात ना की हो, तो कोविड अभी भी गरचे बहुत लोएस्ट लेवल के ऊपर तो रह तो गया है मगर अभी फिर भी बरकरार है, और इसका जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग साबित हो सकता है, ऐसा मानना है रिसर्चर्स का और डॉक्टर्स का।
तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। जैसे कर ईद उल अज़हा का जो है वो ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है, हम दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, बल्कि पूरी आलमी बरदरी को, पूरी दुनिया के ऊपर अपनी खैर व बरकत नाजिल करे और हम सबको हिदायत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।